हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अयुब के आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज पंजाब टॉप 10 का यहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है 25 सितंबर 2022 को। तो आज इसकी एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। देखिए, आपका सबसे पहले पेपर का लेवल बता दे तो मॉडरेट ईजी, तो पेपर का जो मॉडरेट आप बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पे पेपर का लेवल रहा है। तो जैसे ही बच्चों को यहाँ पे रिव्यू आ रहे थे, ठीक है, रिव्यू आ रहे थे, तो पेपर का एक कैसा लेवल गया है, कितने बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट कराया, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है पीपीएससी ड्राफ्ट मैन की। ओके, तो सबसे पहले नंबर वन में बात कर लेते हैं हम यूआर की कट ऑफ के लिए। यूआर की यानी कि जनरल की कट ऑफ आपके पास 320 से 300 अगर 30 नंबर है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये पूरा एनालिसिस करके, ठीक है, कि आपके जो माइनस मार्किंग भी हुई है, ठीक है, पेपर में ये आउट ऑफ 480 मार्क्स से लिया गया है। ठीक है, आउट ऑफ 480 मार्क्स से अगर आपके पास इतने बनने हैं तो आप सेफ हैं। सेकेंड में बात करें तो यू आर गर्ल्स की, ठीक है, तो यू आर गर्ल्स की बात करें तो इसमें अगर आपके पास 300 से 310 नंबर बन रहे तो आप सेफ हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ये हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड पेपर का पैटर्न के हिसाब से आंसर की जो आउट हुई है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें 300 से 310 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। चौथे हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके पास 305 से 315 अगर आपके पास नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो पाँचवें बात करें एससी की, एससी के अगर आप 260 से 280 के बीच में आप बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेफ हो सकते हैं। छठी की बात करें एसटी की बात करें, इसमें 230 से 255 अगर आपके पास बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर कर ले जाओगे। ओके, तो देखिए जनरल में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जनरल में आपके पास यहाँ पे 350 कर दीजिए इसको। ठीक है, अगर आपके पास इतने बन रहे हैं तो आप सेफ स्क्वायर में हो जाएंगे। ठीक है, 320, ठीक हो गया, 320 है। ओके, तो आप अगर इसमें इस रेंज में अगर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे द्वारा। अगर बात करें, ठीक है, जो हमारे उसमें से पढ़े विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास, देखिए अगर आप 480 का है ना पेपर, तो अगर आपके पास हमारे जो पीडीएफ से पढ़े हुए हैं डायरेक्ट, हमारे 70% पीडीएफ से आया है, 60 से 70% हमारी पीडीएफ, जैसे मैंने आपको बता दिया था, और आप कम्युनिटी भी देख सकते हैं हमारा, ठीक है, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भी देख सकते हैं, 60 से 70% टेक्निकल में, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आए थे तो 70 क्वेश्चन आपके पास हमारे वहीं से पीडीएफ से देखे गए थे। ठीक है, तो अगर आपके पास जो हमारे पीडीएफ से पढ़ा है तो वो 480 में से 450 ईजिली गेन कर रहे हैं नंबर। ठीक है, टॉपर ये रख सकते हैं, यहाँ पे 450 नंबर वाला टॉपर रह सकते हैं इस बार। ठीक है, तो बाकी कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी आप कट ऑफ देख सकते हैं कैसी है कट ऑफ। अब हमारे पास नेक्स्ट प्लान क्या है वो भी बता देते हैं आपको। और हाँ, आपको अगर पेपर चाहिए और आंसर की चाहिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अब जो आगे का प्लान है जूनियर ड्राफ्ट मैन के लिए, ठीक है, जूनियर ड्राफ्ट मैन के लिए पंजाब, पंजाब जूनियर ड्राफ्ट मैन के लिए, हमारे पास पंजाब जूनियर ड्राफ्ट मैन के लिए, जो हमारे पास अदर स्टेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिलेबस वही रहता है ड्राफ्ट मैन का, तो आपके पास जो जो सिलेबस है उस हिसाब से हम इसमें पूरा कवर कराएंगे। जैसे आपके पास जो जो हमने पीडीएफ दे रखी, जो पीडीएफ दे रखी ना आपको, ठीक है, तो वही पीडीएफ आप पढ़िए, बाकी जो एक्स्ट्रा पीडीएफ है एक्स्ट्रा पीडीएफ हमसे मांग लीजिए। ठीक है, आप लोग जिस जिसने पेड कराया वो आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस उसी में से आप पढ़िए, एक्स्ट्रा पीडीएफ जो जो सब्जेक्ट है की होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड जो न्यू स्टूडेंट है जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए, जो हमसे जुड़ा नहीं था, जिसने पीडीएफ नहीं ली थी, वो हमसे पीडीएफ परचेस कर लीजिए, अभी भी ले लीजिए पीडीएफ। ठीक है, तो आप वहाँ पे 4 मॉक दे रहे हैं हम, देखिए मॉक से भी आया हुआ है क्वेश्चन पेपर, और आप जितने भी 12 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्लस जो यूट्यूब में हम करा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब में हम जो करा रहे हैं क्वेश्चन का एमसीक्यू, उसकी भी पीडीएफ आपको इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बट यूट्यूब में एक बात हम बता देते हैं आपको, जो यूट्यूब में हमारा जो क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं, जो क्वेश्चन यानी कि मॉक रहेंगे आप, ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह हम लेंगे उसको, मॉक चल रहे हैं, उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका, उसको आपके पास पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, पहली बार पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं होगा, पहले आपको बता देते पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा वीडियो में। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको हम इंक्लूड करा देंगे। देखिए पीडीएफ कौन कौन सी रहेगी जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है, 12 सब्जेक्ट की पीडीएफ होगी, प्लस
चार मॉक की पीडीएफ प्लस यूट्यूब की जो भी पीडीएफ रहेगी, बट इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा यूट्यूब वाली में, ठीक है। बाकी इनमें सॉल्यूशन आपके यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगे, ठीक है। और इंजीन ड्राइंग आपने देखा होगा, इंजीन ड्राइंग से जो क्वेश्चन आए हैं मैंने जो कराए हैं यूट्यूब में, सेम डिटो वो आया है, जैसे एक्स और वाई पैरेलल होते हैं करके, ठीक है, पैरेलल होते हैं। देखिए फ्रंट एंड थर्ड जो डायरेक्शन है वो एक्स और वाई पैरेलल होते हैं करके क्वेश्चन ऐसी कुछ पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं, आपको पेपर हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा, आंसर की भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। जूनियर ड्राफ्ट में जिसने भी पीडीएफ नहीं ली है वो ले लीजिए अभी से ही, ठीक है। और कितना ज़्यादा आपके पास, जिसने पहले ले लिया उसे बेनिफिट ज़्यादा हुआ है, जिसने बाद में ली है, जिसने 24 तारीख भी ले रखी, जिसने 23 तारीख, जिसने 22 तारीख, जिसने 21 तारीख ले रखी, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, जिसने पहले ले लिया उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं 70% वहीं से आया हुआ है पेपर। टेक्निकल की बात करूँ, ओनली हम टेक्निकल दे रहे हैं, ठीक है। अभी फिर आपके पास अगर क्वेरीज होगी तो क्वेरीज के हिसाब से आप पंजाब की, हम इंग्लिश भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, इंग्लिश के एमसीक्यू, ठीक है, भी करा देंगे हम अगर आपके पास क्वेरीज होगी तो, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट में जरूर डालिए, ठीक है। और हमारी जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप से आप ले सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ड्राफ्ट मैन का 11 नवंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपके पास 1 अक्टूबर को आपके पास भी एक और एग्ज़ाम है खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड करके, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं, उसकी भी पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। 1 अक्टूबर को जिसको एग्ज़ाम है खड़की बोर्ड करके, तो आप उसको नागपुर का एग्ज़ाम ड्राफ्टमैन का, तो वहाँ से आप हमसे पीडीएफ अवेलेबल कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा लेनी है ले लीजिए, 11 दिसंबर को जिसका एग्ज़ाम है ना जूनियर ड्राफ्टमैन का, वो हमसे पीडीएफ ले लेना, ठीक है। और अभी से तैयारी कर लीजिए जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। जूनियर ड्राफ्ट में अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी भी अच्छी खासी आई हुई है, तो आप तैयारी करिए, ठीक है। बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।